मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल 9.50 रुपए सस्ता, एलपीजी पर 200 रुपए की सब्सिडी। आयुष दुबे की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कटौती की है, जबकि डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए की कटौती की है। इसके बाद पेट्रोल 9.50 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है, जबकि डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से राजकोष पर प्रति वर्ष 1,00,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वह उम्मीद करती हैं कि राज्य सरकारें, खासकर वे राज्य जिन्होंने पिछले बार नवंबर 2021 में पेट्रोल डीजल पर वेट में कटौती नहीं की थी, वे भी इस बार कटौती करेंगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सेकंड 200 रुपए की सब्सिडी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी मोदी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को प्रति सेकंड 200 रुपए 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देगी। इससे गरीब माताओं बहनों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से एक साल में करीब 6,100 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। उवर्क पर 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देगी सरकार। इस तरह पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में कमी के चलते केंद्र सरकार के राजस्व पर सालाना लगभग 1,06,100 करोड़ रुपए का असर होगा। दूसरी तरफ उवर्क पर 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। बजट में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी उवर्क पर देने की घोषणा की थी। 1.10 लाख करोड़ रुपए उस 1.05 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त है, यानी उवर्क पर अब सरकार 2.15 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देगी। आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड। धन्यवाद।